प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रीवा भी पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत का मंत्र फूंका। मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की, उनकी राय भी जानी और केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार विंध्य के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इतिहास को हम सब लोगों को समझना चाहिए। जब हम देखेंगे कि एक व्यक्ति 82 साल का है और जीवन भर उसने जनसंघ का काम किया, जीवन भर उसने भाजपा का काम किया, कभी उनको पार्षद बनने का मौका नहीं मिला, कभी सांसद बनने का मौका नहीं मिला, फिर भी वो हाथ में कमल लेकर भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, तब हमें ध्यान में आएगा कि वो कौन सा तत्व है जो तत्व उनको भाजपा का काम करने के लिए प्रेरित करता है। बुंदेलखंड के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसुमारिया ने देहदान का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो वो अपनी पत्नी के साथ देहदान करेंगे। बाबा जी के नाम से मशहूर पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसुमारिया ने यहाँ कहा कि मेडिकल कॉलेज के बच्चों को पढ़ाई के काम में उनका शरीर आए, इससे बड़ी बात नहीं। मेडिकल कॉलेज शिवराज सिंह चौहान खोले तो बाबा और भाई के अपना शरीर के लिए हम समर्पित कर देंगे। हमारे शरीर पर लोग जो है अपना सच करें, शोध करें, एक बहुत बड़ा पुण्य का संकल्प बाबा जी ने किया। बोले परम प्रज्ञा की जय, सत्ता की जय। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां विधायक जसपाल सिंह मामले को लेकर सुनवाई आज होने जा रही है। विधायक के खिलाफ चुनाव याचिका जो दायर की गई थी, इस पर सुनवाई आज होनी है। ग्वालियर हाईकोर्ट में फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले को लेकर सुनवाई आज की जाएगी। बीजेपी विधायक जसपाल और उनके सहयोगियों के बयान भी दर्ज होंगे। बीजेपी प्रत्याशी लड्डूराम कोरी की तरफ से याचिका दायर की गई थी। देखना होगा कि ग्वालियर हाईकोर्ट की तरफ से, बेंच की तरफ से क्या कुछ सुनवाई के दौरान सामने आता है।